बीते शुक्रवार को जिस होटल में पूर्व मंत्री के परिवार की शादी में मुख्यमंत्री मेहमान थे, उसी होटल के कन्या हॉल में शादी समारोह से चोर 20 लाख कीमत के जेवरों से भरा बैग ले उड़ा। लसुड़िया पुलिस ने गुड़गांव के सीए पवन अग्रवाल की शिकायत पर चोरी का केस दर्ज किया है। हालांकि सूट बूट में विवाह समारोह में पहुंचे बदमाश की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। दरअसल घटना इंदौर के बाईपास स्थित होटल शेरटन ग्रैंड पैलेस में 2 जुलाई की है, जहां गुड़गांव के सीए पवन अग्रवाल के बेटे की भव्य शादी का आयोजन किया गया था। इसी होटल में पूर्व मंत्री के परिवार के विवाह समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे, जिसके चलते पुलिस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। वहीं गुड़गांव के अग्रवाल परिवार की शादी में इंदौर सहित सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। विवाह समारोह में नाच गाना चल रहा था, इसी दौरान सूट बूट में पहुंचा चोर 20 लाख रुपए के गहनों से भरा बैग लेकर फरार हो गया। पवन अग्रवाल के मुताबिक रात 11:55 पर ग्रुप फोटो के दौरान बैग स्टेज पर रख कर खड़ा हो गया, 3 मिनट बाद देखा तो बैग गायब था। पवन अग्रवाल ने तत्काल होटल प्रबंधन के पास पहुंचा और बैग चोरी होने की शिकायत कर सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कही, लेकिन होटल प्रबंधन सुरक्षा पॉलिसी का हवाला देकर फुटेज दिखाने से मना कर दिया। इसके बाद अग्रवाल परिवार ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक चोर मौके से फरार हो चुका था। हालांकि सूट बूट में एक आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसके फुटेज के आधार पर लसुड़िया पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। शेरेटन होटल है बाईपास का, वहाँ पे शादी का प्रोग्राम चल रहा था, तो इनकी पवन पिता शंभुदयाल अग्रवाल रामलीला मैदान छतर पर इनकी लड़की की शादी थी, तो स्टेज पर कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान कोई अज्ञात आदमी जो है जो बैग था वो बैग उन्होंने नीचे रख दिया और बैग को उठा के कोई ले गया है। उसमें कुछ पुराने जेवरात थे, शादी के लिफाफे थे और कुछ नहीं। लगभग कितने का माल गायब हुआ? लगभग 10-12 लाख का होना चाहिए, बट अभी कन्फर्म नहीं है, उन्होंने लिखाया है। सर इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए? हाँ, सीसीटीवी फुटेज आए हैं सामने, उनके आधार पर हम तलाश कर रहे हैं। आपका नाम? पीड़ित परिवार ने होटल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर शंका जताते हुए चोर का सुराग देने वाले को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस कब तक शातिर बदमाश को गिरफ्तार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।